नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। हाई कोर्ट के दखल से उत्तर प्रदेश में पंचायत आरक्षण की प्रक्रिया आगे क्या बढ़ी? भाजपा को योगी सरकार के कार्यकाल को 4 बरस पूर्ण होने पर सूबे में जश्न मनाने का सुनहरा अवसर मिल गया। अब पार्टी के शीर्षस्थ नेता व पदाधिकारी गांव-गांव तो चौपाल लगाएंगे ही, साथ ही योगी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का बखान कर जश्न भी मनाएंगे। यही नहीं, सरकारी मशीनरी भी योगी सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर शहरी और ग्रामीण इलाकों में जनता के बीच जाकर सरकारी कार्यक्रम कर जश्न मनाएगी और जनता को सरकारी योजनाओं की उपलब्धियों से रूबरू भी कराएगी। 19 मार्च से शुरू यह आयोजन 24 मार्च तक होंगे। सीतापुर शहर में राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान पर आयोजित समारोह में चयनित लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा, साथ ही सरकारी योजनाओं का बखान भी किया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कार्यकाल को 4 बरस 18 मार्च को पूरे हो जाएंगे। 4 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने योगी सरकार की उपलब्धियों को गांव-गांव पहुंचाने के मकसद से प्रदेश में ग्राम चौपालें आयोजित की हैं। 10,000 से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में कैबिनेट मंत्री, पार्टी के प्रदेश महामंत्री स्तर के ऊपर पदाधिकारी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर जनता की समस्याएं सुनेंगे और उन्हें योगी सरकार की उपलब्धियां बताएंगे, जबकि सांसद विधायक अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाकर ग्राम चौपाल लगाएंगे। इसके अलावा अन्य पदाधिकारी गांव में जाकर जनता को योगी सरकार की उपलब्धियों का बखान करेंगे। 19 मार्च को शहर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान पर यूपी दिवस की तर्ज पर योगी सरकार के 4 बरस का जश्न मनाया जाएगा। इस दिन 25 सरकारी विभागों के पंडाल लगाकर सैकड़ों लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित भी किया जाएगा। इसको लेकर जिलाधिकारी विशाल भरद्वाज ने जिले के प्रमुख अधिकारियों के संग बैठक कर जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। वहीं जिले की नोडल अफसर मिनिस्ट्री SB बुधवार की शाम को सीतापुर पहुंचकर तैयारियों की समीक्षा करेंगी। 19 मार्च को आयोजित इस कार्यक्रम में सीतापुर के सभी सांसद विधायक प्रमुख रूप से मौजूद रहेंगे। यह कार्यक्रम पूर्वाह्न 11 बजे से राजधानी लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लाइव प्रसारण के बाद शुरू होगा। लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही IAS और PCS की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो IAS की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में IAS और PCS की तैयारी कर सकते हैं। SDIS स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।